पास जो 1 घंटा भी बचा हुआ है, इस 1 घंटे में हमने CSS को डिस्कस करना है, ठीक है, कि जी CSS क्या चीज़ है और क्यों इस्तेमाल होती है और क्या पूरा का पूरा चक्कर जो है वो क्या है। अच्छा, CSS के लिए हम कोई दूसरी फाइल या कोई दूसरी रिपोजिटरी फ़िलहाल अभी नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जो CSS का असाइनमेंट है वो कोशिश करना है कि एक नई रिपोजिटरी में बनाएं। जैसे आपने एक अगर CV बना लिया है तो आप उसमें लिख दें कि CV विद कलर्स, इस तरह करके आप एक नई रिपोजिटरी बना लें, ठीक है। तो आपने हर असाइनमेंट के लिए एक नई रिपोजिटरी बनानी है। अच्छा, आ जाते हैं जी, देख लेते हैं CSS क्या चीज़ है। अच्छा जी, CSS लगाने के जो है ना, स्टाइलिंग जो होती है असल में वो CSS होती है। CSS लगाने के हमारे पास 3 तरीके हैं बेसिकली। अच्छा, सबसे पहला तरीका तो ये है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर एक स्टाइल का टैग बनाऊँगा। कहाँ पर बनाया मैंने? हेड के अंदर बनाया है, ठीक है, हेड के अंदर मैंने स्टाइल का टैग बनाया है। और मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ H1 जो है ना उसका कलर आप क्या कर दो, उसका कलर कर दो आप गोल्ड कलर कर दो, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ये मैंने एक पहला रूल अपने CSS का लगा दिया। अच्छा, अभी देखते हैं H1 इसमें गोल्ड कलर का हो गया कि नहीं हो गया। पहले तो ये सारा बंद कर देते हैं, पहले से जो खुला हुआ है ना। अच्छा, इसको नए सिरे से खोल लेते हैं। अच्छा, ये रिज्यूमे जो लिखा हुआ था ये गोल्ड कलर से हो गया, ठीक है, येलोइश गोल्ड कलर बन गया। अच्छा, तो ये हमने क्या कर लिया, अपने CSS का हेलो वर्ल्ड बनाया। एक्चुअली इसमें क्या चीज़ क्या है उसको आप समझ लें अच्छी तरह। नंबर एक, H1 जो मैंने लिखा है, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि ये स्टाइल किन किन एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना है ना, सेलेक्टर का मतलब ये होता है। अच्छा, सेलेक्टर के अंदर मैं कॉमा लगा के 2 3 चीज़ों का भी नाम लिख सकता था। मैं कहता था H1 भी एक कॉमा H2 भी, है ना, रेस्ट टू भी लिख दिया, तो ये दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड कलर तो कोई बहुत ज़्यादा वाहियात हो गया, ग्रीन कर देता हूँ मैं उसको, ठीक है, H2 पे भी कर दिया। तो अब यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये H1 और H2 और जितने भी H2 थे सब पे अप्लाई हो गया, ठीक है। तो सेलेक्टर समझ आ गया, ये सेलेक्टर समझ आ गया हमें, ठीक हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। उसके बाद सेलेक्टर के बाद ये ब्रैकेट ओपन है और ब्रैकेट क्लोज है कि जी इस सेलेक्टर पे अब लगाना क्या है, तो वो इस ब्रैकेट में अंदर में उस वो बात लिखूंगा कि लगाना क्या है। अच्छा, अब की बार मैंने क्या लिखा है, कलर ग्रीन। तो दिस इज़ वन रूल, ये CSS का एक रूल है। तो हमने क्या सीख लिया कि सेलेक्टर होगा और रूल होगा। मैंने सेलेक्टर के अंदर एलिमेंट का नाम बताया और रूल के अंदर CSS का एक रूल लगा दिया जिससे कलर चेंज होता है, ठीक है। कलर का मतलब है कि फोरग्राउंड कलर। अच्छा, इसी तरह बैकग्राउंड कलर में मैं लिख देता हूँ कि जी ऑफ वाइट। ऑफ वाइट की क्या स्पेलिंग होती है, स्मोक वाइट। चलो यहाँ से, अच्छा यहाँ से मैं सेलेक्शन भी कर सकता हूँ कलर की ना, जैसे ये आता है ना इस पर मैं जस्ट हवर करता हूँ, कुछ भी नहीं क्लिक नहीं किया मैंने, ये मैं जिस पर हवर करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली नीचे एक चीज़ बनी भी आ जाती है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, कलर को सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। तो काइंड ऑफ मैंने एक ना एक शेड ऑफ ग्रे मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर। तो H1 और H2 के ऊपर बैकग्राउंड कलर जो है ना वो क्या हो जाना चाहिए, अब ये वाला हो जाना चाहिए, ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ठीक है, पूरी हेडिंग का जो बैकग्राउंड था वो चेंज हो गया। अच्छा, पहला हमने रूल ये सीखा कलर, दूसरा रूल हमने सीखा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जी। अच्छा, अब एक बॉडी भी तो एक एलिमेंट है ना, बॉडी यहाँ से शुरू है या ख़त्म है। अब मैं कहता हूँ बॉडी पे कुछ चीज़ें लगा लेते हैं, कौन से कलर को, हाँ। अच्छा, H1 असल में ना पूरी विड्थ होती है H1 की ना हमेशा, ठीक है। फिर हम H1 नहीं लगाएंगे, फिर हम कुछ और लगाएंगे अगर पूरी विड्थ की हमें छोटी करनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात समझ आ गई जी। अच्छा, बैकग्राउंड कलर इस वक्त फ़िलहाल मैं इसका हटा देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास एक बॉडी भी एक है ना, बॉडी भी क्या है, एलिमेंट है। तो मैंने कहा ये सेलेक्टर बॉडी, और अब मैं एक दूसरा रूल लगाना चाहता हूँ इस पर। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर जो आपका हो जाए वो क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए,
ठीक है, तो बॉडी कहाँ से कहाँ तक है? बॉडी पूरी यहाँ से शुरू है और पूरी यहाँ तक है बॉडी, तो सबका कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। मेरी वेबसाइट क्या हो गई? बिल्कुल ही गायब हो गई, क्योंकि फोरग्राउंड कलर भी ब्लैक है, बैकग्राउंड भी ब्लैक है। तो अब मैं क्या करूँगा इसमें, फोरग्राउंड कलर को क्या कर दूंगा मैं? फोरग्राउंड को अगर मैं वाइट कर दूँ तो ठीक हो जाएगा, कलर वाइट। ठीक है, रिफ्रेश किया, ओ ओ रिफ्रेश किया मैंने तो ये ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा इसका कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो गया, जो ब्लैक है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक हो गया और वाइट बहुत ज़्यादा डार्क वाइट हो गया है। अच्छा आप नोट करेंगे कि जहाँ पे भी ब्लैक वेबसाइट होती है ना डार्क, वो असल में पूरी ब्लैक नहीं होती। जैसे आप लिखेंगे ना, ये देखो गूगल, देखो किस तरह की ब्लैक वाइट है, तो ये ग्रे, काइंड ऑफ ग्रे कलर है, ये ब्लैक नहीं होता असल में। ठीक है, इसी तरह गिटहब में भी अभी तो ये वाइट हुआ है ना, इसको अगर मैं डार्क मोड करूँ अपने पीसी में, अच्छा डार्क मोड वैसे ऑन है मेरे पास। वेल, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, कोई ऐसी वेबसाइट मुझे बताओ जो ABC लिखो अगर मैं इसमें, हाँ देखो ये आ गई ना google.com, जो है इसका भी बैकग्राउंड जो है वो वही है। अच्छा और कौन सी वेबसाइट है जो मैं डेली यूज़ करता हूँ और वो ब्लैक है? कोई याद है कोई वेबसाइट जिसका? हाँ ट्विटर है ना, हाँ ट्विटर है, x.com है ना x.com है, देखें ये भी है लेकिन ये पूरा ब्लैक नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, हल्का सा एक शेड ऑफ डार्क है ये, शेड ऑफ ग्रे है ये। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ठीक है, इस एक्सटेंशन का नाम क्या है? कलर ज़िला। ठीक है नाम, हाथ दिख रहा है नाम आप सब लोगों को, ये कलर ज़िला इसका नाम आ रहा है। अच्छा इसके ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी पेज का कलर पिक कर सकता हूँ, किसी भी जगह वेबसाइट में जो कलर दिखता है ना मैं पिक कर सकता हूँ। तो मैंने इसको कलर पिकर को यहाँ से किया और मैंने कहा कि जी पिक कलर फ्रॉम पेज। अच्छा इस तरह के बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, दिस इज़ नॉट दी ओनली वन, इस तरह के बहुत सारे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये कलर मुझे पसंद आ रहा है ये पिक कर लो यहाँ से, और ये कलर पिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो मेरे क्लिप बोर्ड के ऊपर कॉपी हो जाता है। मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया। ठीक है, हैक्स कोड इसका कलर का पेस्ट हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया। अच्छा अब हमारी जो वेबसाइट है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी हल्की सी ग्रे कलर में आ जाती है, जो उसका कलर था वही हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, अच्छा ये हो गया। हेडिंग का कलर भी शायद मुझे वाइट ही रखना चाहिए, ग्रीन नहीं रखना चाहिए, इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है जी, हेडिंग का कलर वाइट हो गया। अच्छा इन्होंने हेडिंग का जो कलर है वो जो वाइट है वो थोड़ा सा डिफरेंट रखा हुआ है, और टेक्स्ट का जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट रखा हुआ है। ठीक है, ये एक ही है, नहीं एक ही रखा हुआ है। थोड़ा सा बोल्ड है और ये अच्छा अब आप नोट करें कि ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें कुछ चीज़ों को इसने थोड़ा लाइट भी किया हुआ है कहीं कहीं पे, सारी सारा टेक्स्ट एक जैसे कलर का नहीं है। सारा टेक्स्ट जो है पूरे पेज पे आप देखें ना, ये टाइटल अगर डार्क में है तो ये ज़रा लाइट कलर में है ना। तो इस तरह से क्या होगा, हम भी क्या करते हैं अपने पास कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, आके ज़रा आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ों को मुझे लाइट कर देना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई ऐसी चीज़ वैसे है तो नहीं जिसको मैं लाइट करूं, लेकिन जस्ट इन केस अगर मुझे जो है ना ऑब्जेक्टिव को ज़रा मैं चाहता हूँ कि यार ये या ज़रा लाइट हो जाए, हल्का हो जाए। ठीक है, जस्ट इन केस तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट का कलर, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट का कलर मैं पिक कर लेता हूँ। कैसे करूँगा मैं, यहाँ से इसको पकड़ता हूँ दोबारा, पिक कलर फ्रॉम पेज, और ये आप देखें ना ये मैंने ग्रे कलर पिक कर लिया। ठीक है, अच्छा और अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जी ऑब्जेक्टिव वाले को मैंने क्या करना है, ग्रे कर दे रहे हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव तो H2 है, अब H2 तो और भी है, सही है, या एक ये पैराग्राफ है अगर, तो पैराग्राफ तो और भी है नीचे, दूसरा भी पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ जस्ट यही पैराग्राफ चेंज हो, दूसरा ना हो। तो मैं क्या करूँगा, फिर इसके नाम से नहीं करूँगा मैं इसको, मैं एक दूसरा सेलेक्टर लगाऊंगा, दैट इज़ कॉल्ड क्लास सेलेक्टर। मैं लिखूँगा डॉट डिम, ठीक है, डिम में मैंने क्लास का नाम लगाया, और मैंने कहा कि उसके ऊपर कलर आप कर दो ये वाला। ठीक है, सेलेक्टर लगाया, अब की बार मैंने क्लास सेलेक्टर लगाया, इससे पहले मैं क्या लगा रहा था, एलिमेंट नेम सेलेक्टर था उसको, ये नेम सेलेक्टर कह सकते हैं उसको या एलिमेंट सेलेक्टर कह सकते हैं, तो एलिमेंट का नाम लिखता था मैं, अब की बार मैं लिख रहा हूँ क्लास। अच्छा ये क्लास में किसी पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, उस पर ये अप्लाई हो जाएगा, क्लास मैंने लिख दिया डिम, तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, एजुकेशन वाला पार्ट चलो मैंने डिम कर दिया, तो एजुकेशन वाला जो पार्ट है आप देखें वो क्या हो गया, वो थोड़ा सा डिम हो गया। ठीक है,
अच्छा तो अच्छा ऑब्जेक्टिव पे भी चाहता हूँ मैं डिम हो जाइए, तो मैं ऑब्जेक्टिव पे भी यही क्लास लगा दूंगा लाके, ठीक है? ऑब्जेक्टिव वाले पे मैं चाहता हूँ यार ये भी डिम हो जाए, ठीक है जी, हो गया। अच्छा मैं चाहता हूँ जी, नहीं बहुत ज़्यादा डिम हो गया, थोड़ा सा कम हो जाएगी ज़रा, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने यहाँ पे डिम के अंदर ये लगाया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा यहाँ से, तो थोड़ा सा कम डिम हो जाएगा ये, है ना? ऊपर ज़रा वाइटनेस की तरफ ले जाऊँगा इसको मैं, ये कम डिम हो गया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा सा ये कम डिम हो गया जितना पहले था, ठीक है? तो हमने अभी तक क्या सीख लिया है, हमने अभी तक ये सीख लिया है कि जी सेलेक्टर होगा और उसके अंदर रूल लगेगा। अच्छा हमने एक नेम सेलेक्टर समझ लिया, उसके बाद हमने समझे एक रूल, दो रूल, कलर और बैकग्राउंड कलर, दो रूल समझ लिए। फिर हमने तीसरी एक नया सेलेक्टर सीखा, तो हमें क्या पता लगा इससे कि CSS के अंदर CSS इज ऑल अबाउट रूल्स एंड सेलेक्टर्स। मैं ये बताऊंगा कि इस चीज़ पे लगाना है और लगाना क्या है वो बताऊंगा। तो अगर ये मुझे तमाम सेलेक्टर्स अगर मैं किसी तरह सीख जाऊं और जितने भी पॉसिबल रूल्स हैं उनकी लिस्ट मुझे कहीं मिल जाए, तो मैं पूरी CSS सीख गया, मैं पूरी CSS सीख गया, ठीक है? तो ये तो वेल पहला तरीका हो गया ना इसको लगाने के। मैंने जैसे कि शुरू में बताया था तीन तरीके हैं, नंबर एक तरीका तो मैंने ये आपको बता दिया जो कि नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है? नंबर टू तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे H1 है ना, यहीं पे भी स्टाइल लिखूंगा मैं, ओ जैसे ये H1 है ना, यहीं पे मैं क्या करूँगा, मैं स्टाइल लिखूंगा ऐसे, और स्टाइल लगा के मैं कह दूंगा कि जी कलर और ब्लू। ये दूसरा तरीका है CSS को लगाने का, और ये भी क्या है, नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है? अप्लाई इससे भी ये हो जाएगा। अच्छा इन दोनों तरीकों के अंदर जो ये जो मैं कह रहा हूँ, दोनों तरीके नॉट रिकमेंडेड है जो मैंने अभी तक बताया, इसमें मसला ये है कि ये रीयूजेबल नहीं रहता। CSS क्या होता है, रीयूजेबिलिटी इसकी ख़त्म हो जाती है, और भी छोटे छोटे एक दो मसले आते हैं जिसकी वजह से इन दोनों तरीके को हमने इस्तेमाल नहीं करना है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जो रिकमेंडेड तरीका है मैं वो आपको बता देता हूँ। रिकमेंडेड तरीका क्या है, इसको पूरे को मैंने यहाँ से कट किया, एक यहाँ पे फाइल बनाई, दैट इज़ कॉल्ड स्टाइल्स डॉट CSS। अच्छा इसके अंदर नेम का कोई इशू नहीं है, कोई भी नाम रखें, लास्ट में डॉट CSS ज़रूर लगा दें, बस अलग से फाइल बनेगी, ठीक है? स्टाइल का टैग हटाऊंगा अब मैं, और यहाँ क्या लगूंगा, लिंक और डॉट स्लैश स्टाइल डॉट CSS, ठीक है? सेम रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, लेकिन ये तरीका रिकमेंडेड है। इससे होता क्या है कि जी एक CSS की फाइल बनाते हो आप और उसको 3, 4, 5 HTML के पेजेस के साथ एसोसिएट कर देते हो आप, ठीक है? इस तरह से ये रीयूजेबिलिटी आपकी थोड़ी सी रह जाती है, ठीक है? क्या चीज़ कैसे लिखा, हाँ लिंक कैसे लिखा है, मैंने देखो मैंने लिखा LINK, नीचे सजेशन आई, एंटर दबाया, ऑटोमेटिकली कर्सर मेरा देखो कहाँ आ गया, डॉट स्लैश लगाया मैंने, खुद ही सजेशन में आ गया ये स्टाइल डॉट CSS, ये हो गया, सही है? समझ आया, सब लोगों को समझ आ गया कैसे हुआ ये? स्टाइल डॉट CSS की फाइल कैसे बनी ये भी समझ आ गया, आसान है, मुश्किल तो नहीं है ये, ठीक है? तो हमने अभी तक दो सेलेक्टर देख लिए हैं। अच्छा टोटल CSS के अंदर कितने सेलेक्टर्स हैं, किसी को पता है? वो लोग जिन्होंने थोड़ी बहुत CSS पहले से की हुई है उनको भी नहीं पता, हाँ अच्छा लिख लेते हैं गूगल पे, वो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा एक तो गूगल पे भी लिख सकते हैं, उसके अलावा अब तो और अच्छा आ गया है, ChatGPT आ गया अब तो, है ना? आप ChatGPT से पूछेंगे कि ना लिस्ट ऑफ ऑल CSS सेलेक्टर्स, दैट्स इट, ये सारे इसने बता दिए। तो टोटल 12 सेलेक्टर का इसने जिक्र किया है। अच्छा इसमें से शुरू के अगर 5-6 भी आ जाए ना हमें, ठीक है, शुरू के जो 6 सेलेक्टर हैं अगर अगर ये आ जाए ना, तो इससे पूरी CSS हो जाती है, ठीक है? जो उसके नीचे है ना, 6 के बाद वाले जो हैं वो ज़रा सा बहुत ही रेयर केसेस में उनकी ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो नंबर 1 इन्होंने क्या बताया, यूनिवर्सल सेलेक्टर, स्टैटिक लगा दो। स्टैटिक लगाने से क्या हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट सब पे अप्लाई हो जाएगा, वो चाहे H1 हो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद है टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर इसमें क्या कह रहा है कि जी सेलेक्ट एलिमेंट बाई देयर टैग नेम्स, जो हमने नेम वाला सेलेक्टर पढ़ा है, तो उसका असल नाम जो है, प्रॉपर नाम, वो टाइप सेलेक्टर है। उसके बाद है क्लास सेलेक्टर, ये भी हमने देख लिया है,
ठीक है। क्लास सेलेक्टर में क्या होता है कि एक क्लास बनाते हैं, हम उसको एलिमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं। आईडी सेलेक्टर, ठीक है, हर एलिमेंट को मैं आईडी भी दे सकता हूँ, उसके ज़रिए कर सकता हूँ मैं, ठीक है जी। डिसेंडेंट सेलेक्टर, डिसेंडेंट का मतलब है कि एक सेलेक्टर के अंदर कोई दूसरा सेलेक्टर है तो उसको मैंने टारगेट करना है, इस तरह करके, ठीक है। चाइल्ड सेलेक्टर, अब चाइल्ड सेलेक्टर में क्या होता है कि जी किसी एलिमेंट का डायरेक्ट कोई चाइल्ड है उसको मुझे टारगेट करना होता है। अच्छा, अब ये नहीं समझ आया, आसान है, इसको मैं आगे बोलूँगा कि यार गिव मी एग्जाम्पल कोड फॉर चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। ये इसने क्या किया, एक HTML लिखा और उसके ऊपर CSS लगाया कि जी पेरेंट के अंदर जो पैराग्राफ मौजूद है, तो ये चाइल्ड सेलेक्टर की इसने एग्जाम्पल बता दी, ठीक है। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली शायद इस अभी जो आपने वेबसाइट बनाई है CV की, इसमें आपको चाइल्ड सेलेक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लास से और नेम सेलेक्टर से, इन दोनों से ही सारा काम हो जाएगा। तो हम इन दोनों के आगे ज़्यादा अभी ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर नहीं डालते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो हम सारा का सारा काम अभी नेम सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर से ही हमारा सारा काम हो जाएगा जो इस CV पे हमने करना है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि टोटल 12 सेलेक्टर्स हैं CSS के अंदर, जिसमें से 6 जो है ज़रा इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर ना भी आते हैं तो चल जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारी ये वेब डेवलपमेंट की क्लास नहीं है, हमारी चैटबॉट की क्लास है, तो ज़रा ब्रीफली इसको मैं कवर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर ये वेब की क्लास होती तो उसको डिटेल में कवर किया जाता, ठीक है। बाकायदा 10 चैप्टर CSS के हम पढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक तो टाइम भी कम है और दूसरा ये कि इसकी शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। हमें जल्दी से जल्दी जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करना है, फिर उसके बाद हम डायलॉग फ्लो का और OpenAI का फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये तो हो गया सेलेक्टर की लिस्ट, अब हमें मिल जाए कहीं से रूल्स की लिस्ट। जो ये रूल मैंने लिखा है ना, रूल नंबर 1 है ना, ये रूल एक और मैंने यहाँ लिखा है। अच्छा, आ जाओ दोबारा ChatGPT के पास। लिस्ट ऑल CSS रूल्स। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि रूल जो बनता है ना वो मिलता है, ये की और वैल्यू पेयर होता है हमेशा रूल, ठीक है। इसको 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 बोलते हैं शायद प्रॉपर्टी और इसके सामने वाले को शायद वैल्यू बोलते हैं। अच्छा, तो ये इसने जो है ना तमाम के तमाम जो रूल्स CSS के अंदर थे ना उन सब की लिस्ट बना दी है। इसने इसको सेक्शनाइज भी कर दिया, सेक्शन सेक्शन में डिवाइड भी कर दिया जी। अच्छा, कलर होता है ये हमने देख लिया, बैकग्राउंड कलर होता है ये हमने देख लिया, बैकग्राउंड इमेज भी हो सकती है कलर के साथ वो हमने देख ली, ठीक है। टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट के ऊपर जो जो चीज़ें कि जी टेक्स्ट की फैमिली क्या है ना, एरियल है या सैरिफ है या क्या चीज़ है। फॉन्ट का साइज़ क्या है जी, बाई डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होता है HTML में फॉन्ट का साइज़, अगर आप कुछ ना लगाएं तो आप इसको 16 से बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। फॉन्ट का वेट यानी कि बोल्ड कितना बोल्ड करके दिखाना है ना, इस तरह की ये सारी यहाँ पे लिस्ट इन्होंने बना दी, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन, इससे क्या होगा कि टेक्स्ट आपको लेफ्ट पे अलाइन करना है कि राइट पे अलाइन करना है, जो MS वर्ल्ड में भी होता है ना, बॉर्डर आ गया। अच्छा, तो बॉर्डर में किसी चीज़ पे भी बॉर्डर लगाना चाहूँ, अच्छा चलो बॉर्डर को लगा के देखते हैं। बॉर्डर लगेगा कैसे, मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि यार गिव मी एग्जाम्पल कोड फॉर बॉर्डर, क्योंकि कॉन्टेक्चुअल है ना, ऊपर क्या पूछा है इसको पता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ही नीचे बात हो रही होती है, अदरवाइज मुझे लंबी बात लिखनी पड़ती कि गिव मी एग्जाम्पल कोड ऑफ HTML एंड CSS फॉर बॉर्डर, इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बड़ा समझदार है, इसको पता है इससे पहले आपने क्या बात की है, तो उसी हिसाब से ये अगली बात करता है। अब आप देखें, इसने बोला कि यार एक ये डिव है और इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे नीचे इसने बोला कि यार ये जो क्लास बनाई हुई है बॉर्डर एग्जाम्पल, ठीक है, एक क्लास बनाई हुई है बॉर्डर एग्जाम्पल, इसको एसोसिएट किया हुआ है। इसने बोला भाई इसकी विड्थ 200 कर दो, हाइट 100 कर दो, बॉर्डर लगा दो इसके अंदर, पैडिंग लगा दो और टेक्स्ट अलाइन लगा दो, ठीक है, इस तरह करके। तो हमने एक्चुअल इसके अंदर लगाया ये बॉर्डर, इसने इस तरह से बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और कोई कलर दिया इसको, ठीक है। 2 पिक्सल बॉर्डर का साइज़ है, विड्थ है बॉर्डर की, कि कितना मोटा बॉर्डर चाहिए आपको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये जो डिम जिस जिसको मैंने किया है ना, इन्हीं पे मुझे बॉर्डर भी चाहिए। तो मैं ये डिम वाले में आके कहता हूँ कि जी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। तो ये मैंने एक नया रूल यहाँ पे लगा लिया, देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया तो ये देखें बॉर्डर बन के आ गया इसमें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक चीज़ होती है पैडिंग, यहाँ पे पैडिंग का भी इसने जिक्र किया होगा कहीं ना कहीं, ये इसने देखें स्पेसिंग के जहाँ पे बात आई है ना वहाँ पे मार्जिन और पैडिंग का जिक्र किया है। मार्जिन और पैडिंग क्या चीज़ होती है कि जैसे ये मेरा बॉक्स है, अभी आप नोट करो ये बॉक्स का जो कंटेंट है ये अपने
बॉक्स की दीवारों से बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ हुआ है, चपका हुआ है, तो मुझे अगर इसको अपनी दीवारों से दूर करना है अंदर की तरफ, तो इसके लिए मैं पैडिंग का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, आज उस पर पैडिंग भी लगा देते हैं थोड़ी सी। मैंने कहा कि जी पैडिंग, ठीक है, पैडिंग में कितनी दे देता हूँ, 1 REM। REM का क्या मतलब होता है, पिक्सल में भी दे सकता था मैं, लेकिन REM का मतलब होता है कि जो भी इस वक्त बॉडी में टेक्स्ट का साइज है उतना। 1 REM है। अगर इसको मैं 2 REM करता तो मतलब 16x16 32 पिक्सल हो जाता। अच्छा, REM क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि किसी भी वजह से अगर बॉडी का साइज़ चेंज होता है तो ये पैडिंग भी साथ साथ चेंज होगी उसकी। ठीक है, अगर बॉडी का साइज़ अभी 16 है, कल को चेंज होगा 20 हो जाएगा, तो ये भी साथ साथ चेंज होगा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास पैडिंग आ गई। अच्छा, अब ये जो बॉक्स इट्सेल्फ है, ये अपने लेफ़्ट वाली दीवार से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है। ठीक है, अगर इसको मुझे इस दीवार से ज़रा दूर करना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको मार्जिन दूंगा। ठीक है, आ जाता हूँ जी, मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन भी इसको मैं 1 REM दे देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे क्या हो गया, अपनी इस तरफ चारों साइडों से दूर हुआ एक्चुअली ये। ठीक है, सिर्फ इस तरफ से नहीं हुआ, ये चारों साइडों से दूर हुआ। ठीक है, तो हमारी CV में एक थोड़ा सा लुक आना शुरू हो गया। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस। ठीक है, यहाँ पे उसका भी जिक्र होगा, बॉर्डर और रेडियस। रेडियस का जिक्र नहीं किया इसने। हाँ, ये आ गया, बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अच्छा, बॉर्डर रेडियस क्या करता है कि जी मेरे पास जो बॉक्स है ना, अभी कहाँ गया बॉक्स मेरा, ये जो बॉक्स है अभी, ये कॉर्नर से बिल्कुल चकोर है ना, इसके बॉर्डर को कोने जो चकोर है वो 90 डिग्री पे इस वक्त है एक्चुअली, जब ये तो चकोर दिख रहा है, तो उसको मुझे एंगल को कम करना है ना, उसको मुझे रेडियस कुछ ना कुछ देना है और ज़रा सर्कुलर करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर आके मैं बोलता हूँ कि जी बॉर्डर रेडियस, और मैंने कह दिया कि 15 पिक्सल। ठीक है, 15 पिक्सल भी दे सकता हूँ मैं, या मैं इसको दे सकता हूँ कि 1 REM। ठीक है, 16 पिक्सल हो जाएगा एक्चुअली, वो फिर साइडों से गोल हो गया। इसी तरह मेरे पास जो पिक्चर है ये वाली, इसके भी उसके भी मैं बॉर्डर चाहता हूँ कि यार बॉर्डर लग जाए इसके अंदर। ठीक है, आ जाओ जी, पिक्चर के ऊपर बॉर्डर कैसे लगेगा, IMG है मेरा एक्चुअली पिक्चर वो। मैंने कहा जी IMG पे आपने क्या लगाना है, बॉर्डर लगा दें आप इसके ऊपर, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट बॉर्डर लगा दें। ठीक है जी, रिफ्रेश किया मैंने, ये बॉर्डर आ गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये बॉर्डर गोल हो जाए, बल्कि ना सिर्फ बॉर्डर गोल हो जाए बल्कि पूरी इमेज ही गोल हो जाए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, 50% करूँगा। ठीक है, 50% का मतलब है जो भी उसकी मतलब विर्थ हाइट है उसके हिसाब से। तो ये मेरी पिक्चर क्या हो गई, गोल हो गई। सही है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। तो हमने एक्चुअली क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने सेलेक्टर्स और रूल्स, ये दो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी CSS फाइल के। तो हमने क्या कर लिया, तमाम के तमाम सेलेक्टर्स को डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। आपको ये बता दिया कि जी कितने सेलेक्टर्स होते हैं। अच्छा, इस्तेमाल हमने उसमें से एक दो ही किए, सारे सेलेक्टर को इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। हमारा काम सिर्फ नेम सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर से ही हो गया सारा काम हमारा। अच्छा, और दूसरी बात हमने क्या की कि जितने भी रूल्स हैं जो इन सेलेक्टर के अंडर में लगाए जा सकते हैं, वो रूल्स हमने उसकी लिस्ट देख ली। अच्छा, अब हमें जो भी काम करना होगा वो उस रूल से देख के करेंगे। अच्छा, अब कोई ऐसी चीज़ बताओ जो इसके अंदर नहीं है और जो मैंने करनी है। A4 मतलब पेज को सेंटर में, सारी चीज़ों को, हाँ, इमेज को सेंटर करने वाला जो काम है ना, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कल। फ्लैक्स बॉक्स करके एक टॉपिक है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये इमेज जो अभी इस कोने पे है, इसको मैं दरमियान में या सेंटर में या राइट साइड पे इसको मैं कैसे लेके जाऊँ। ठीक है, कि वो लेआउट बनाने वाला तरीका होता है। अच्छा, है वो भी सारे CSS के रूल्स ही हैं, लेकिन कल हमने बकायदा उसके लेआउट को डिस्कस करने के, जी लेआउट, एक अच्छा लेआउट एक वेबसाइट का कैसे बनता है। ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो लिखा हुआ है इसके नीचे, अगर मुझे अंडरलाइन चाहिए, अच्छा वो तो HTML से है ना, वो तो HR है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे क्या चाहिए कि लास्ट में, बिल्कुल सब चीज़ों के नीचे लास्ट में, यहाँ पर मैं एक लाइन चाहता हूँ, तो HR लगाऊंगा तो ये लाइन आ जाएगी। अच्छा, लाइन बाय डिफॉल्ट किस कलर की आएगी,
वाइट कलर किया, ये वाइट कलर क्यों आई, क्योंकि मैंने बॉडी को बोला हुआ कि आपका कलर वाइट हो जाए, यानी ये जहाँ पर लगा दिया एचआर, एचआर तो पूरी एक लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रूल इसको कहते हैं ये। अच्छा, अगर ये वर्क एक्सपीरियंस है, इसके नीचे मुझे अंडरलाइन लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक क्लास बनाऊँगा, मैं कहता हूँ डॉट अंडर लाइन, और इस अंडर लाइन के अंदर मैं क्या बोल देता हूँ, अंडर लाइन टेक्स्ट डेकोरेशन होता है शायद, ये टेक्स्ट डेकोरेशन अंडर लाइन, यस ठीक है। अच्छा, अब जिस पे भी ये अंडर लाइन की क्लास लगाऊंगा मैं, वो अंडर लाइन हो जाएगा, सही है। मिसाल के तौर पर मैं बायोडेटा पे आता हूँ, बोलता हूँ कि जी क्लास अंडर लाइन, ये अंडर लाइन हो जाएगा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस क्लास अंडर लाइन, ये भी अंडर लाइन हो जाएगा, ठीक है जी। एजुकेशन में भी अंडरलाइन, ठीक है जी। अच्छा, इस ऑब्जेक्टिव पे भी लगा देते हैं इसको, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने आकर, अब देखें ये ऑब्जेक्टिव और ये एजुकेशन सब के नीचे अंडरलाइन आ गया, ठीक है जी, गुड इनफ। अच्छा, किसी एक पे मैं दो क्लासेस भी लगा सकता हूँ, मिसाल के तौर पर ये डिम है ना, इसको मैं अंडरलाइन और डिम दोनों देना है मैंने, तो अंडरलाइन स्पेस करके मैं इसको दो क्लासेस भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन भी हो जाएगा और ये डिम भी हो जाएगा, देखें ये अंडरलाइन हो गया, सारा अंडरलाइन हो गया, ये दूसरा वाला नहीं है अलग, ठीक है जी। अच्छा, टेबल, अच्छा टेबल जो है इसके ऊपर स्टाइलिंग कैसे करनी है मैंने, ठीक है, टेबल के ऊपर स्टाइलिंग कैसे करनी है मैंने। अच्छा, देख लेते हैं आगे, इंटरनेट पे अच्छी अच्छी टेबल लोगों ने बना के रखी हुई है यहाँ पे, और उसकी स्टाइलिंग भी बताई हुई है पहले से। मैंने कहा कि जी टेबल HTML टेबल स्टाइलिंग, ठीक है, इमेजेस में चलते हैं, किसी ने अच्छी सी बनाई है ना उसमें चलेंगे। अच्छा, मुझे ऐसी अगर बनानी है टेबल, ठीक है, ऐसी अगर, तो इस वेबसाइट पे चलते हैं, इन्होंने कुछ बताया हुआ होगा इसके मुताबिक। अच्छा, ये देखो, ये टेबल है किसने बनाया हुआ और इस पर क्लास लगाई हुई स्टाइल टेबल। अच्छा, हम इसी को कॉपी करते हैं, स्टाइल टेबल की ये क्लास मैंने यहाँ से कॉपी की, क्या किया मैंने, कॉपी की और मैं इधर आ गया, अपने पास ये क्लास मैंने ऐड कर ली अपनी CSS में। अब मैं जिस टेबल पे भी ये क्लास लगाऊंगा ये वैसी ही बन जाएगी, वैसी सही है। तो आके अब इसको कर लेते हैं, अपनी टेबल पे आके मैं क्या कर देता हूँ, ये क्लास लगा देता हूँ, ओके, रिफ्रेश, क्यों नहीं बनी यार ये क्या हुआ, ओके, इसने क्या किया हुआ बैकग्राउंड, इसने इसका रिजल्ट नहीं दिखाया वैसे, बाय द वे इसने बोला बॉर्डर कोलैप्स हो जाए, मार्जिन हो जाए, फॉन्ट हो जाए, फॉन्ट फैमिली हो जाए, मिन विड्थ हो जाए, कलर तो उसने दिया ही नहीं। अच्छा, ये मेरा ख्याल है किस्तों में कर रहा है ये, काफ़ी नीचे और भी इसने काम किया हुआ है। अच्छा, ये काफ़ी किस्तों में इसने और भी काम किया हुआ है एक्चुअली, इसने बॉडी को अलग से कलर दिया हुआ है और ये हेडर को अलग से कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये वाला इनफ नहीं है मुझे, ये बल्कि ये इसके हेडर की स्टाइलिंग भी चाहिए होगी मुझे। आ जाओ, सारी स्टाइल एक एक करके हम उठा लेते हैं इसके, सही है। कह रहा है कि टेबल पे तो ये लगाओ, लेकिन टेबल के अंदर जो टी हेड है जो, उसके ऊपर टी आर जो, उस पर ये लगाओ, सही है। ऐसे करके इसने किया हुआ, अच्छा ठीक है, इसने ऐसे किया कि जी टी एच और टी डी पे ये लगा दो, सही है, और लास्ट में ये इसने कर दिया, ये काफ़ी ज़्यादा इसने स्टाइलिंग की हुई है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये सारी स्टाइलिंग एक में भी हो सकती थी, लेकिन इसने ज़रा मॉड्यूलर फॉर्म में किया, अलग अलग किया, तो ये पूरी स्टाइलिंग मैंने इसकी क्या कर ली, यहाँ से उठा ली है। और अब हम चलते हैं ज़रा अपनी टेबल पे एक नज़र मारते हैं क्या बन चुका है ये, ठीक है, हमारी टेबल को जिस तरह की बन चुकी है। अच्छा, हमारा क्योंकि बैकग्राउंड जो कलर है वो इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्रेक हो गया हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है वो, हम उसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड कलर को, ताकि हम देख सकें कि ये क्या हुआ है इसके साथ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड कलर मैंने हटा दिया, तो हमारी टेबल कुछ इस तरह की देखो बन गई है, सही, अच्छी बन गई है, ज़बरदस्त बन गई है। अच्छा, तो इसी तरीके से
एक और भी चलो तरीका बताता हूँ मैं इसको वापस लाता हूँ और ये सारी क्लासेस जो मैंने उठाई थी सबको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा एक तरीका और सुन लो, हाँ, कंट्रोल कंट्रोल और स्लैश, इसको मैंने पकड़ा और कंट्रोल और स्लैश किया इसको मैंने, ठीक है, ऐसे किया मैंने। अब देखो जो बंदे कह रहे हैं ना कि यार अब तो सारा काम चैट जीपीटी करके दे रहा है, वेबसाइट बना के दे रहा है, अब वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करके दे रहा है। इतना काम आपने किया ना उसके बाद का काम है ये। लेकिन HTML में गया मैं, ये मेरी टेबल है, इसको मैंने पकड़ा ऐसे कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करके मैं गया चैट जीपीटी के पास और न्यू चैट किया उसको मैंने। अच्छा, मैंने कहा कि यार पेस्ट किया मैंने टेबल, पूरा टेबल पेस्ट किया मैंने, मैंने कहा कि अबव इज़ माई HTML टेबल गिव मी बेस्ट स्टाइलिंग बेस्ट CSS, ठीक है, मैंने कहा सबसे अच्छा CSS जो उस पर लग सकता है ना वो दे दो मुझे। अच्छा, और ये मुझे इसने CSS एक दिया। अच्छा, अब मैं बोलूँगा कि नहीं यार ये तो मेरे डार्क बैकग्राउंड के ऊपर मज़ा नहीं कर रहा है, ये इसने देखो मुझे सारी क्लासेस लिख के दे दी, सही है। अच्छा, इसने बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखा है, मैंने कहा यार मेक इट शॉर्टर, इसको थोड़ा छोटा करो, कोड बहुत लंबा लिख दिया आपने। अच्छा नहीं, ये असल में शॉर्टर, इसने शायद वो साइज में शॉर्ट समझा उसको शायद, ये मैक्स वर्थ 600 पिक्सल इसने की है ना, अभी पहले क्या की हुई थी इसने, अच्छा पहले भी 600 पिक्सल की हुई थी। वेल अच्छा, इसका मतलब है कि इससे मजीद शॉर्ट नहीं हो सकता, तो मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके इस पूरे को मैं अपनी CSS में यहाँ पे ये क्या कर लेता हूँ, ये स्टाइल बना लेता हूँ, ठीक है, स्टाइल डी टेबल। इसने देखो ऑटोमेटिकली इस नाम से क्लास बनाई है, क्यों, क्योंकि इतना समझदार है कि इसके ऊपर ये क्लास लगी हुई है पहले से स्टाइल टेबल, ये मैंने हटाना भूल गया था क्लास, तो इसी नाम से इसने बनाई है। अब देखते हैं मेरी टेबल को इसने क्या बनाया है, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो मेरी टेबल को जिस तरह की बनकर आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इसने CSS दी है, ये CSS मैच नहीं करती है मेरे डार्क बैकग्राउंड से, मैच नहीं कर रही ना, ये मसला कर रही है। अच्छा, तो मैं उसको बताऊँगा कि मेरा जो है ना बैकग्राउंड का कलर क्या है, मैं इसको यहाँ से देख के बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार ये है मेरा बैकग्राउंड कलर, कॉपी, और मैं बोलता हूँ कि यार दिस स्टाइल डजंट मैच विथ माई बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तो अब इसने मुझे ऐसा स्टाइल लिख के देगा ये जो बैकग्राउंड कलर से मेरे मैच कर गए, ठीक है। एक्चुअली वो करेगा कुछ नहीं, जस्ट वो स्टाइल का ज़रा कोड ऐसा कलर लगाएगा जो पीछे डार्क हो तो सामने लाइट हो, इस तरह का कुछ करेगा ये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा स्टाइल का कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके अब ये वाला लगा दूँगा मैं। ये मैंने पुरानी क्लासेस उड़ा दी, ये नई क्लासेस पेस्ट कर दी मैंने यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं मेरी टेबल का क्या क्या हाल है, ये मैच हो गया, सही है। इस पे मैं हवर करता हूँ तो देखें ये आता है बना हुआ, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, मुझे भाई इस बुलेट पॉइंट को भी कुछ अच्छी सी स्टाइलिंग देनी है ना। आ जाओ, अब ये बुलेट पॉइंट भी उससे पूछते हैं, वैसे तो ये सब हमने खुद करना है, लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि इससे काम फास्ट कैसे होता है, इससे काम फास्ट कितना ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि यार ये मेरा ना UL है, ठीक है। अच्छा, इस पर क्लास पहले से लगा देते हैं बायो, ठीक है, ताकि इसी नाम से वो बना के दे क्लास। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं जाता हूँ यहाँ पे चैट GPT के पास, न्यू चैट करता हूँ। अच्छा, जब भी एक बात ख़त्म हो जाए ना न्यू चैट करें, ताकि वो पीछे कॉन्टेक्स्ट वरना वो लेके रखता है तो वो समझता है उसी वेबसाइट की बात हो रही है। मैंने इसको पेस्ट किया कोड, मैंने कहा यार अबव इज़ माई HTML कोड है, अबव इज़ माई HTML कोड, अब कुछ भी हो सकता है कोड में, ठीक है, वो तो दिख रहा है उसको क्या है। गिव मी बेस्ट स्टाइलिंग फॉर दिस लिस्ट दैट मैचेस माई डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। मैंने शुरू में ही बता दिया कि यार डार्क बैकग्राउंड कलर से मैच करे, ऐसी स्टाइलिंग मुझे दो आप।
ठीक है, ये इसने देखो दो स्टाइलिंग लिख दी, इसने कहा यार बायो और बायो के अंदर एल आई, ये दो लिख दी इसने। आगे देखते हैं अब क्या होता है। ये बायो वाली मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग अपने पास ले ली, ठीक है, और जाके देखता हूँ और कुछ इस तरह का हो गया बायो अभी, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये स्टाइल मुझे पसंद नहीं आया तो मैं इसको मज़ीद दूसरा बोल सकता हूँ। अच्छा, मैं इसको कह सकता हूँ कि यार इसमें ना हावर करने पे ये रेड हो जाए, इस तरह की बात कोई करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, करके देगा मुझे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसको बोलता हूँ कि यार इन माई लिस्ट वेन मूव कर्सर, अच्छा इसको मैं उर्दू में भी बोल सकता हूँ भाई, दबे, ठीक है, उर्दू में भी बोलूँगा तो इसको समझ आता है और ये जवाब भी देता है। मैं उर्दू में लिख देता हूँ, जब मैं कर्सर किसी लिस्ट आइटम पर लेकर जाऊँ तो वो हाईलाइट होकर नज़र आए, ठीक है। लेट्स सी क्या करता है ये। इसने कहा जी ये लो आ गया, ठीक है, वो पूरी पुरानी स्टाइलिंग हटाऊंगा, ये वाली लगाऊंगा अपना, ये बायो का दो इसने दिया था, इन दोनों को हटाया मैंने, ये लगा दिया। अब देखते हैं क्या करता है ये, ठीक है, समझ गया ये, उर्दू में बोलने से भी समझता है, इंग्लिश में बोलने से भी समझता है, कोड पूरा लिख के देता है। लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि यार अच्छा ये सेलेक्टर है, अच्छा ये एक रूल है, अच्छा इसके अंदर क्लास सेलेक्टर क्या होता है, नेम सेलेक्टर क्या होता है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। अच्छा, इतना आपको समझ आ गया तो अब आपके पास ये सिलाई मशीन आ गई आपके पास, जो मैंने लास्ट क्लास में मिसाल दी थी ना कि हाथ से कपड़े सीने में लगता है पूरा दिन और सिलाई मशीन से एक घंटे में होता है, ये आ गई सिलाई मशीन आपने, तो आप इसने सिलाई मशीन में रख के ना अपने सूट के सूट तैयार करके ढेर कर देना है, तो बेहतरीन है, ये ज़बरदस्त है। अच्छा, तो आप कोई भी बात इससे पूछ सकते हैं इस तरह करके ना, जैसे मेरे अभी मेरे पेज के ऊपर अभी और क्या चीज़ है, मेरे पेज के ऊपर एक हेडिंग है, अब इस हेडिंग के ऊपर कौन कौन से स्टाइल लग सकता है, इस हेडिंग के ऊपर कौन कौन से पॉसिबल सीएसएस के रूल्स हैं जो उस पर लग सकते हैं, वो मैं पूछता हूँ इससे। अच्छा, आ जाओ, एच वन के ऊपर कौन कौन से, हाँ इस पे भी कर ले सकते हैं, मसला नहीं है, कौन कौन से सीएसएस रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं लिस्ट बनाए, सही है, लिस्ट बना के मुझे दिखाएगा कि वो। अच्छा, सबके देखो लिस्ट भी बना दी, एग्जांपल भी दे दी इसने, अरे नहीं यार ये इसने वही किया, एच वन ने देखो यू एल के ऊपर कर रहा है, हाँ न्यू चैट हमें करना पड़ेगा इसमें, न्यू चैट पे करते हैं, ठीक है, अब देखो सही समझाइए। अच्छा जी, ये देखें फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, टेक्स्ट अलाइन, जो जो लग सकता था सब लगा दिया इसमें, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन जो हमने लगाया, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस है ना, किसी पे मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा तो भले लिखा हुआ स्मॉल हो दिखेगा अपर केस में, हाँ जैसे अभी यहाँ पर जो मेरा ये लगा हुआ है ना, जो ये रिज्यूमे लिखा हुआ है ये अपर केस में तो नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टाइल लगा दूँ, ठीक है, जो कि नॉट रिकमेंडेड वे है, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन और मैं लगा दूँ अपर केस, टेक्स्ट डेकोरेशन था क्या था वो, नहीं टेक्स्ट अलाइन भी नहीं था, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म था, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूपी अपर केस हो गया ये, तो ये ऑटोमेटिकली अपर केस दिखना शुरू हो जाएगा मुझे, रिफ्रेश किया मैंने ये देखें अपर केस में दिख रहा है। अच्छा, इसी तरह मैं लोअर केस कर दूंगा इसको मैं, तो सारा लोअर में दिखने लग जाएगा, हालांकि है आर कैपिटल है उसका। अच्छा, इसी तरह एक तीसरा भी केस आ रहा होगा इसमें, कैप केस, कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज में क्या होता है कि हर वर्ड का ना पहला लेटर बड़ा कर देता है, अब मुझे इसको दिखाना इस तरह है तो मैं इसको कैपिटलाइज लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक, भले मैं पूरा स्मॉल में लिख दूं ना फिर ये दिखेगा, लेकिन इसी तरह, ठीक है, अगर मैं पूरा इसको आके आर को भी स्मॉल कर दूं,
आर स्मॉल हो गया, लेकिन कैपिटलाइज की वजह से आर कैपिटल दिखेगा। तो हमने क्या देख लिया, नंबर वन सी एस एस को लगाने के तीन तरीके हमने देख लिए, जिसमें से दो नॉट रेकमेंडेड है और एक रेकमेंडेड है अलग से फाइल बनाने वाला, ये हमने डिस्कस किया। नंबर दो चीज़ हमने देखी सेलेक्टर, 12 टोटल सेलेक्टर होते हैं सीएसएस में, जिसमें से दो तीन हमने डिस्कस किए यहाँ पे, बाकी आप अलग से देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सीएसएस के अंदर लगने वाले जितने भी पॉसिबल रूल्स हैं वो सारों की लिस्ट निकाली। अच्छा, उसमें जी ये हमारे पास बॉर्डर है, उसमें कलर है, उसमें बॉर्डर रेडियस है, उन सबको एक एक करके हमने दो चार रूल्स को हमने लगा कर देखा है। बाकी रूल आपको मैंने दिखा दिए हैं, वो इंशाल्लाह आप खुद लगा कर देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आपने इतना काम करके लाना है, ठीक है। इतना काम करके लाने का मतलब है कि थोड़ा कलर शलर लगा देना अपनी सीवी के अंदर ना, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर देना, बिल्कुल सीधी प्लेन है ना वो, ऐसी नहीं हो, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग उसके अंदर हुई भी हो। जैसे पिक्चर अगर लगाई है तो उसको गोल करना चाहो अगर तो गोल कर दो, या जस्ट गोल ना करो अगर तो ऐसे साइड हल्की सी चकोर कर दो, है ना। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, जैसे देखो बैकग्राउंड कलर मैंने डार्क कर दिया, मेरी सीवी डार्क कलर में दिख रही है ना। तो इसी तरह यूट्यूब के बैकग्राउंड में डार्क कलर आता है, वहाँ से डार्क कलर उठाओ, उसका टेक्स्ट का कलर उठाओ, वैसे ही आपकी सीवी तैयार होगी। एक्सटेंशन का नाम है कलर जिला, या आप वैसे भी लिखोगे ना कलर पिकर क्रोम एक्सटेंशन तो आ जाएगा, बहुत सारे हैं इस तरह के एक्सटेंशन ना। ठीक है, तो ये इतना काम आपने करके आना है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम जो चीज़ देखेंगे वो हम क्या देखेंगे कि एक वेबसाइट का जो लेआउट है वो कैसे बनता है, जो हमारी जो तीसरी क्लास होगी HTML से मुतालिक, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लैक्स बॉक्स अप्रोच। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स अप्रोच जो उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने क्या कर लिया, HTML तो सीख लिया, CSS भी हमने सीख ली, बेसिक स्टाइलिंग, लेकिन हर वेबसाइट के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। दिखा देता हूँ मैं आपको कि वो क्या स्ट्रक्चर होता है। मैं कहता हूँ कि जी वेबसाइट लेआउट, है ना, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है ना, ऊपर हेडर आ रहा होता है, फिर नेविगेशन बार आ रहा होता है, या आप कह लेंगे इस तरह की चीज़ होती है एक वेबसाइट। अब ये नेविगेशन बार कैसे बनेगा, ये लोगो इधर कैसे आएगा, है ना, ये बीच में जो बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई है ये कैसे आएगी, ये नीचे तीन बटन है ये कैसे आएंगे। हर वेबसाइट का देखो मोर और लेस स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। देखो इसके अंदर अब क्या है, लोगो इधर है, दरमियान में नेविगेशन बार है, और इधर तीसरा ये छोटे बटन इधर है। अब ये लेआउट हम बनाना सीखेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ना, ताकि अब आपकी बनाई हुई वेबसाइट एक रियल वेबसाइट जैसी लगे। अच्छा, नीचे ये जो डब्बे बने हुए हैं, ये डब्बे किस तरह बने, ये इस जगह पर कैसे आएंगे ये, ठीक है, नीचे ये जो नीचे बना हुआ है बॉटम पे ये बनाएंगे हम तो। लेकिन अच्छा, इसमें लेआउट बनाने में ना टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है ना, लेआउट ऐसे फ़ौरन नहीं बनता है, लेआउट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपने कोशिश ये करना है कि जितना मैंने काम करवा दिए, ये क्लास में आप यहाँ पर पहुँचे ना, तो और पहले से ही आप ये जो मैंने सिसबॉर्ग वाली वेबसाइट आपको दिखाई थी, है ना, क्या नाम था उसका, ये वाला, ये वेबसाइट, तो आप यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये मैंने क्लियर कर दिया इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस वाले क्लास आईडी के ऊपर जब इस क्लास में आप एंटर हों, तो वहाँ पे पहले से आपके असाइनमेंट का URL लगा हुआ। मैं आके यहाँ पे खोल के देखूँगा, बंदे गिनूँगा और असाइनमेंट की तादाद गिनूँगा, तो मुझे पता लग जाएगा सबने बना लिया, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा हमें इसके अंदर, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए असाइनमेंट को चेक करने में, ताकि हमें पूरा टाइम मिल सके इस फ्लैक्स बॉक्स अप्रोच को स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर आप कर देंगे लेट तो फिर एक घंटा अगर बचा हमारे पास जैसे आज हुआ था, तो फिर हमारा शायद ना वो फ्लैक्स बॉक्स एक क्लास में कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है। आज आपकी इस वीक की पहली क्लास थी, कल आपकी इस वीक की दूसरी क्लास है, तो कल अगर हम ये फ्लैक्स बॉक्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास एक वीक होगा पूरा इसकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और जो कि ज़रूरी भी है। फ्लैक्स बॉक्स की प्रैक्टिस आपने एक वीक पूरा करनी है, ठीक है। और जब मैं कल की क्लास में आपको फ्लैक्स बॉक्स पढ़ाऊँगा, और जाते हुए आपको तीन वेबसाइट का नाम बता के जाऊँगा, तीन वेबसाइट का, और जब नेक्स्ट वीक में आऊँगा तो वो तीन वेबसाइट आपने उसके ऊपर बनानी होगी, क्लोन करना होगा उसको एक्चुअली। जैसे देखें ये वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट, अब ऐसी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी वेबसाइट आपने बनानी होगी। तीन वेबसाइट आपको मैं कल की क्लास पढ़ाने के बाद बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा हूँ कि कौन सी होगी वो, और वो आप नेक्स्ट वीक मुझे बनाकर लेकर आएंगे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्केटिंग, सही है, तीन वेबसाइट बना के लाएंगे, आपकी मार्केटिंग होगी। चलें, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात रहेगी। किसी का कोई सवाल तो नहीं है जो CSS हमने आज पढ़ी उससे मुतालिक है, तो पूछ लें। अच्छा, एक चीज़ तो और सुन लें, एक चीज़ और समझ लें, इसको इस
तीनों फाइलों को मैंने वापस पुश करना है ना गिटहब डॉट कॉम पे, तो मैं कैसे करूँगा, मैं टर्मिनल खोलूँगा और वही तीनों कमांड में दोबारा लिखूँगा गिट ऐड, गिट कमिट और गिट पुश। ये तीनों कमांड लिखी मैंने, ये ना सिर्फ दोबारा गिटहब डॉट कॉम पे पहुँच जाएगी बल्कि जो होस्टिंग यूआरएल है वो भी मेरा अपडेट हो जाएगा। होस्टिंग यूआरएल अभी अपडेट नहीं हुआ लेकिन एक दो मिनट में ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मेरा कमिट तो यहाँ पे पहुँच चुका है एक्चुअली, ठीक है, सीएसएस की फाइल क्योंकि दिख रही है मुझे। होस्टिंग यूआरएल मेरा ना, अच्छा होस्टिंग यूआरएल यहाँ पे एक्शन में जाओगे ना, एक्शन में जाओगे तो यहाँ पे ये गोल गोल घूमता हुआ दिख रहा होगा, ये देखो गोल गोल घूम रहा है ये। इस पर जब टिक लग जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट अपडेट हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर जाके भी ये ज़रा प्रोग्रेस चल रही होती है एक, ठीक है। ये बिल्ड पता नहीं क्यों कर रहा है, HTML प्लेन HTML इसको क्या बिल्ड कर रहा है भाई, लेकिन वेल इनका एक वर्क फ्लो है उसको चला रहा है ये। ड्रॉप डाउन मेन्यू तो HTML के अंदर होता है ना, खुद ही होता है इट्स। मैं समझा नहीं आपकी बात, ड्रॉप डाउन मेन्यू हाँ असूल है ना, हमें सीखना तो चाहिए ड्रॉप डाउन वो वाला जो आप कह रहे हैं, लेकिन शायद हम वो कवर ना कर पाएँ क्योंकि हम ज़रा बेसिक लेके चल रहे हैं। अच्छा जी, ये मेरा होस्टिंग URL क्या हो गया, अपडेट हो गया। अच्छा ये अपडेट, हाँ रिफ्रेश किया तो दिख गया। अच्छा कभी ये रिफ्रेश ना हो ना तो राइट क्लिक करके, ये कभी कैशे कर लेता है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्शन खोलें। इंस्पेक्शन खोलने के बाद इधर राइट क्लिक करने से क्या होगा, इधर राइट क्लिक करने से ये आएगा, तीन मेन्यू आएंगे आपके पास, तो एम्प्टी कैशे करेंगे तो उससे भी अपडेट हो जाता है ना, क्योंकि गूगल क्रोम आपकी वेबसाइट को ज़रा कैशे कर लेता है कभी कभी।